भोपाल से आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड AESL के 10 छात्रों ने JEE एडवांस 2024 में शीर्ष रैंक हासिल की। परीक्षा तैयारी सेवाओं में राष्ट्रीय अग्रणी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड AESL ने भोपाल के 10 छात्रों की उत्कृष्ट उपलब्धि की घोषणा की, जो प्रतिष्ठित JEE एडवांस 2024 परीक्षा में शीर्ष स्कोरर बने। यह उल्लेखनीय उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और AESL द्वारा प्रदान की गई उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग का प्रमाण है। परिणाम ITI मद्रास द्वारा जारी किए गए उल्लेखनीय छात्र है ऋषि सिंगिरकर, जिन्होंने AIR 1052 हासिल की, भव्या पवार AIR 1948, अनुष्का महूर AIR 11546, राजकुमार अहिरवार AIR 12606, शीर्ष महेश्वरी AIR 15619, अनंत देवनाथ AIR 17497, वरुण शर्मा AIR 17827, गीतिका श्रीवास्तव ने AIR 19661, गौरव यादव ने AIR 24742 और पार्थ यादव ने AIR 25455 हासिल किया। विश्व स्तर पर सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक मानी जाने वाली JEE एडवांस्ड की तैयारी के लिए AESL के क्लासरूम प्रोग्राम में नामांकित छात्र वे अपनी उल्लेखनीय सफलता का श्रेय अवधारणाओं की अपनी गहन समझ और अनुशासित अध्ययन कार्यक्रम के सख्त पालन को देते हैं। हम आभारी हैं कि आकाश ने दोनों में हमारी मदद की है, लेकिन AESL की सामग्री और कोचिंग के बिना हम कम समय में विभिन्न विषयों की अवधारणाओं को नहीं समझ पाते, छात्रों ने कहा। छात्रों को उनकी असाधारण उपलब्धि पर बधाई देते हुए आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर HR राव ने कहा, हम छात्रों को उनकी अनुकरणीय उपलब्धि के लिए बधाई देते हैं। उनकी उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ साथ उनके माता पिता के समर्थन को दर्शाती है। हम अपने छात्रों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। JEE एडवांस्ड उन छात्रों के लिए सालाना आयोजित किया जाता है जिन्होंने हर साल किसी एक IIT द्वारा आयोजित JEE मेन्स को क्वालिफाई किया है, जबकि JEE मेन्स भारत में कई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NEET और अन्य केंद्र सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए है। JEE एडवांस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ITI में प्रवेश के लिए एकमात्र शर्त माना जाता है। हालांकि JEE एडवांस में बैठने के लिए छात्रों को JEE मेन में शामिल होना चाहिए। JEE एडवांस 2024 में पेपर 1 और पेपर 2 में कुल 180,200 उम्मीदवार शामिल हुए। कुल 48,248 उम्मीदवारों ने JEE एडवांस 2024 उत्तीर्ण किया है। आकाश हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए तैयार किए गए विभिन्न कोर्स प्रारूपों के माध्यम से व्यापक ITI JEE कोचिंग प्रदान करता है। हाल ही में आकाश में कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षित विकास करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इसका अभिनव ट्विटर प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड किए गए वीडियो व्याख्यान प्रदान करता है, जिससे छात्र स्वगति से सीखने में संलग्न होते हैं और छूटे हुए सत्रों को पूरा करते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट वास्तविक परीक्षा स्थितियों का अनुकरण करते हैं, जिससे छात्रों को परीक्षा के प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक परिचितता और आत्मविश्वास मिलता है। तो जैसा हम सबको पता है कि JEE एडवांस के नतीजे 9 जून 2024 को IIT मद्रास द्वारा घोषित परीक्षा के डिक्लेयर किए गए, तो इसमें आकाश इंस्टीट्यूट के छात्रों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। टोटल पहले 100 में 6 बच्चों ने अपना परचम लहराया है। ऑल इंडिया रैंक 25 लेकर ऋषि शेखर शुक्ला हमारे टॉपर हैं। अगर मैं भोपाल ब्रांच की बात करूं, तो भोपाल ब्रांच में 48 में से 19 बच्चों ने JEE एडवांस को उत्तीर्ण किया है, जो 40% रिजल्ट है। ये रिजल्ट राष्ट्रीय एवरेज 26% से लगभग 14% ज़्यादा है। भोपाल ब्रांच के हमारे जो टॉपर हैं वो है ऋषि सोनगिरकर। ये बच्चा हमारे 2 ईयर प्रोग्राम का बच्चा है। ऑल इंडिया रैंक इनकी 1052 आई है। ऋषि के बारे में एक बात मैं और उल्लेख करना चाहूँगा, ऋषि हमारे भोपाल शहर के JEE मेंस के सिटी टॉपर भी हैं। JEE मेंस में इनकी रैंक 642 है। टॉप 2000 में हमारा जो दूसरा बच्चा है वो है भव्य पवार। भव्य पवार की ऑल इंडिया रैंक 1948 है। ये दोनों हमारे रेगुलर क्लासरूम प्रोजेक्ट के कम करने में क्या
क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं सबसे अहम है? सर पढ़ाई डर से या प्यार से की जाती है? बाबा सर आपने जो सफलता हासिल की है, बच्चे सफलता सब पूरा परिवार की सीखे, आज आकाश कोचिंग द्वारा आपको सम्मानित किए गए, क्या कहेंगे? यही कहूँगा मतलब कि रोजाना जो मतलब मेहनत की है उसका मतलब फल मिला, अच्छी रैंक आई है। मैं सारे मतलब आकाश इंस्टीट्यूट और बाकी सबका सर लोगों का थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्हीं की मेहनत की वजह से मतलब इतनी अच्छी रैंक आ पाई। आकाश इंस्टीट्यूट का भूमिका रही? आकाश इंस्टीट्यूट का क्या भूमिका रही? सर काफ़ी मतलब हेल्पफुल थे सारे सर, हमने मतलब कोई भी कभी डाउट आया तो उसमें हेल्प की, कभी भी मतलब स्ट्रेस में नहीं आने दिया, हमेशा हेल्प की कि हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको ओवरकम करो। यही कहूँगा कि अच्छी मतलब मेहनत करे, ट्राई करे कि पहले अटेम्प्ट में अच्छी रैंक आ जाए। और आकाश में आपने पढ़ाई करी किस प्रकार का? टीचर्स वगैरह ने काफ़ी कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? 5 to 6 आवर्स अ डे। क्या क्या बनना चाहिए? क्या बनेंगे इसके बाद? फ्यूचर प्लान क्या आप? फ्यूचर प्लान अभी तो आईआईटी जाके इंजीनियरिंग है। चित्रांश जी पढ़ाई बहुत कॉम्पिटिशन है आजकल, सोशल मीडिया जमाना है, आकाश को चुन लीजिए किस प्रकार आपको सहयोग देना है? आकाश में सबसे पहले तो मैं फोन प्रतिबंधित कर दिया था आकाश में। वेरी प्राउड ऑफ देम, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर अस फाइनेंशियली आल्सो, एंड आई वांट टू थैंक आकाश फैकल्टी, आई मीन दे हैव सपोर्टेड हिम थ्रू आउट द जर्नी एंड विदाउट देयर सपोर्ट इट वाज वेरी डिफिकल्ट। And I can't think of any other coaching who would have supported in that way. जी मेरा नाम ऋषि सोनकर है। सर आप आकाश के टॉपर्स बने हुए हैं, किस प्रकार का पढ़ाई? जी आकाश के टॉपर्स आज बने, आप बी ए रिजल्ट आया है, सम्मानित भी किया है, आप क्या कहेंगे आकाश? जी मेरे आकाश के टीचर्स ने बहुत मदद की मेरी पूरी जर्नी में, डेफिनेटली इधर पे इस मुकाम पे उसी वजह से पहुँच पाया है क्योंकि हमारे टीचर्स थे, हमारी बात वो पढ़ाई के अलावा मोटिवेशन भी देते थे हमें, उसके अलावा बहुत सारे डाउट भी थे। सर यहाँ पे कोचिंग के बाद घर पे अगर कोई समस्या आती तो फोन बात कर लेते सर आपसे? आसान जी मैं तो अपने मेरी बहन से बात कर लेता था, उसके अलावा डाउट्स आते थे टीचर से पूछ लेते बैठे थोड़ी सफलता हासिल की कैसे? मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है और उसके पापा का आशीर्वाद है क्योंकि उसके पापा की डेथ कोरोना के टाइम में हो गई थी और उसी दौरान उसने बहुत ज़्यादा फिर मोहम्मद जाती स्टार्ट कर दी इतने स्ट्रेस के बाद में उसने सब कुछ हैंडल किया, स्ट्रेस को कैसे उसने हैंडल किया वो मतलब उसके सिस्टर का बहुत योगदान है। मेरा नाम गीता है, मैं अनुष्का की मदर, और मेरे लिए बच्चे की जर्नी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 साल बहुत कड़ी मेहनत के बाद मैंने उसकी मेहनत देखी थी और अगर नहीं होता तो शायद मुझे इस चीज़ का बहुत दुख होता, पर मैंने उसकी बहुत मेहनत देखी और मैं आकाश के सब टीचर्स का अपने तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ।